उत्तराखंड सीरीज में आपने अभी तक देखा हम हरिद्वार से चले और हमने यमुनोत्री धाम की यात्रा करी। हमने कुछ गलतियां करी, जैसे कि बर्फ में चलने के लिए हमारे पास स्नो शूज नहीं थे, बारिश से बचने के लिए हम छतरी लाना भूल गए। टूर प्लानिंग करते समय आप इन चीज़ों को अपनी चेकलिस्ट में ज़रूर जोड़ लीजिए। वैसे तो अगर आप वुलन्स या रेनकोट नहीं लाते, लाना मिस भी कर देते हो, आप लोकली परचेस कर सकते हैं, आपको अच्छी क्वालिटी के वुलन्स हरसिल में मिलेंगे। लेकिन यात्रा स्टार्ट करने से पहले अगर आप वुलन्स, रेनकोट्स, स्नो शूज़, मफलर, ये सब चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे तो बेहतर रहेगा। जानकी चट्टी से गंगोत्री के रास्ते पर हम टिपरी गांव में रुके। पिछले एपिसोड में आपने देखा हमने गांव में गढ़वाली फूड खूब इंजॉय किया। इस एपिसोड में आप उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम तक का सफ़र देखेंगे। अगर आपने उत्तराखंड सीरीज़ का कोई एपिसोड मिस कर दिया तो आप प्लेलिस्ट को रेफ़र करके उसको सीरीज़ में देखेंगे तो आप कंटिन्यूटी बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। आज हमारी यात्रा का डे 6 है। कल रात में हमने नाइट स्टे किया हिना गांव में, जो कि उत्तरकाशी से 15 किलोमीटर आगे है। अभी हम यहां से यात्रा अपनी आरंभ कर रहे हैं गंगोत्री धाम के लिए। आप देखिए यहां से नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है, भागीरथी नदी का, बहुत शानदार। आप आधा घंटा या एक घंटा भी वहां पर रॉक्स के ऊपर बैठ जाइए और इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। भागीरथी नदी आगे चलकर देवप्रयाग में गंगा जी कहलाएंगी। यहाँ से हरसिल पहुँचने में लगभग हमें 3 घंटे लगेंगे और उसके आगे 1 घंटा और, बीच में रुकते रुकते जाएंगे तो हो सकता है शाम को हमें गंगोत्री धाम पहुँचते पहुँचते 8-8:30 बज जाएँ। मैक्सिमम ट्रैवलर्स पूरी यात्रा 9 से 10 दिन में करते हैं और कुछ ट्रैवलर्स 12 दिन में भी करते हैं, क्योंकि हम रुकते रुकते यात्रा कर रहे हैं तो हमारी पूरी यात्रा हरिद्वार टू हरिद्वार लगभग 24 से 25 दिन में होने वाली है। अभी हमने 5 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद देखा रोमिंग कियोस्क वैन खड़ी हुई है, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो रही है, जिसके लिए आप अपना आईडी प्रूफ कैरी कर सकते हैं, इलेक्शन कार्ड या आधार कार्ड। इस प्रकार से दिखता है रजिस्ट्रेशन कार्ड। तीन किलोमीटर का और सफर करके हम आ गए हैं केड़ी वाटरफॉल के पास। एक्चुअल में तो वाटरफॉल सामने पहाड़ से आता है बरसात के दिनों में, उसका नाम है खेड़ी। और सामने जो ये आप देख रहे हैं ना पानी, ये आ रहा है मनेरी डैम से, जो यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है। काफी पुराना डैम है इस एरिया का, भागीरथी नदी के ऊपर बनाया गया है। और सामने तो भागीरथी देख ही रहे हैं, तो पानी ये भागीरथी में ज्वाइन कर रहा है। अगर जून या जुलाई में आप यहाँ पर आएंगे तो पानी का जो प्रेशर है वो 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। तो जिस जगह भी हम रोड पे खड़े हैं यहाँ तक पानी आता है और बहुत हाई स्पीड पे आता है। तो आज समझ लीजिए 25% लेवल पे है पानी का प्रेशर और फिर इतना ज़्यादा लग रहा है। हम गंगनानी पहुंच गए हैं। यहाँ से हरसिल 31 किलोमीटर है, सामने माइलस्टोन पे लिखा हुआ है। अभी चलेंगे हम गंगनानी स्प्रिंग की ओर। हाँ जी भैया, गंगनानी को रास्ता वो जो बोर्ड लग रहा गंगरानी कुंड से 10-12 सीढ़ी ऊपर चढ़कर हम मंदिर आए, माथा टेका। हमारे साथ यहाँ पर मंदिर के पुजारी जी हैं। आप हमें गंगरानी कुंड के बारे में और इस जगह के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? सुखताल में वैदिक धर्म पालन के लिए उत्तराखंड में आए थे पराशर ऋषि, तो
तो उत्तराखंड में गंगोत्री जा नहीं पाए, मार्ग नहीं था, गंगा के किनारे यहीं बैठ गए और यहीं शिला है अंदर, उसी पे बैठ के भजन करने लगे। भजन करते करते ये अपने स्नान के लिए गंगा निकाल दी तो ये पराशरी गंगा हो गई। वेद व्यास जी के पिता पराशर जी हुए, इन्होंने इस स्थान में भजन किया, यहीं समाधि लगाई और यहाँ चार कुंड है, वेद व्यास कुंड, पराशर कुंड, वशिष्ठ कुंड, नारद कुंड। हम यहाँ सेवा करते हैं, सेवक हैं। बोल गंगा महारानी की जय। ये महर्षि वेदव्यास कुंड है, पानी यहाँ पर बहुत गर्म है, यात्री यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। टोपी गरम, हैंडमेड, कितने की? ये 150 150 की। और हाथ से बनी हुई जुराबे आपके पास? वूल की जुराबे हैंमेड है, जर्सी वूल है। ये मेरे को आ जाएगा आराम से, ठीक है। इसका क्या कीमत है? इसका 180 180, ठीक है भाई। हरसिल पहुंचने में भी 27 किलोमीटर बाकी है। हम चाय पी रहे हैं बिस्किट के साथ। कैसा लग रही जगह? बढ़िया सर, बहुत जबरदस्त ना। आप देखो सामने वाटरफॉल किस तरीके से, एक ही पहाड़ में से चार पांच डिफरेंट डिफरेंट जगह से निकल रहे हैं। यहाँ पर हर तरफ पहाड़ और ऐसा लग रहा है कि इससे खूबसूरत जगह क्या होगी। मैं यहाँ से इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी हरसिल आने में 27 किलोमीटर बाकी है तो हरसिल कितना खूबसूरत होगा। पीछे हमारे भागीरथी नदी, सामने रोड, जन्नत है ये जगह। टू गुड, बहुत ब्यूटीफुल। हरसिल आने में भी 23 किलोमीटर बाकी है और आप देखो कितना खूबसूरत नजारा है। और नीचे आप पानी का बहाव देखो, प्रेशर देखो, सुपर फास्ट, सुपर फास्ट। चारों तरफ पहाड़, ऐसा मन हो रहा है सामने हमारी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी को भेज दे हरसिल और हम यहाँ से अगली 23 किलोमीटर की यात्रा पैदल करें, आराम से शाम को रात को हरसिल पहुंचे और वहां जाके नाइट स्टे करें। इतना खूबसूरत नजारा है। जब से हमारा गंगनानी से हरसिल को सफर स्टार्ट हुआ है ना, मैं देख रहा हूँ हर एक या डेढ़ किलोमीटर बाद इस प्रकार के झरने हमें जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। कभी पहाड़ों में से झरने गुजर रहे हैं, कभी रोड में हम झरने का पानी बहता हुआ देख रहे हैं। आप देखिए सामने जो पहाड़ है उसके जो झरने हैं, अगर बायनोकुलर लाए हो ना तो मजा आ जाएगा देख के। हमारे पास ना इतना पावरफुल लेंस नहीं है कि हम आपको क्लोजअप में दिखा सकें, लेकिन वाकई लग रहा है इस ट्रिप में बायनोकुलर लेके आना चाहिए, बहुत मजा आएगा। इस समय हम हरसिल से लगभग 12 किलोमीटर पहले सुखी गांव में रुके हैं। यहां से 1-1.5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो सुखी टॉप आएगा। अब सामने जो आप ढाबा देख रहे हैं, यहां पर हम गढ़वाली भोजन खाने के लिए रुके।
इनसे हमने बात करी, इन्होंने बोला एक डेढ़ घंटा रुक जाओ, आपके लिए हम बनाते हैं लाल चावल और साथ में नौरंगी दाल। अब दोनों के बारे में आप देखिए, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। सबसे पहले आप देखिए लाल चावल मैंने कटोरी में आपको दिखाने के लिए मंगाए। पहाड़ में अगर आप किसी को बोलोगे ना घर का चावल, तो समझ लीजिए आपको लाल चावल खाने को मिलेगा। साथ में आप देखिए नौरंगी दाल, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, और इसको बनाने में, नौरंगी दाल को बनाने में जाखिया का इस्तेमाल किया। और ये देखिए दाल तैयार भी हो गई है। जो चावल तैयार हो रहे थे, तो चावल तैयार होते समय भी खुशबू आ रही थी, जो एक नई किस्म की खुशबू है, मेरे लिए नया एक्सपीरियंस। ये जो कटोरी में आपने दाल देखी ना, इसमें दो प्रकार की दाल है, एक है उड़द और दूसरा है सोंटा दाल। ये सोंटा दाल मुझे बताया गया कि पहाड़ों की दाल है, मतलब पहाड़ की दाल है, जो आपको शहर में मिले इसका चांस बहुत कम है। बड़ा ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है लाल चावल और नौरंगी दाल का। जैसे मैंने आपको बताया, यहां पर किसी को बोलो घर का चावल, तो लाल चावल आपको देंगे, इसके चांसेस 99% है। रंग से तो समझ आ ही रहा है लाल चावल, थोड़ा सा केवल लाल चावल टेस्ट करके देखा जाए। साइज में छोटा, क्योंकि घर का चावल मैंने आपको बताया ओखली में कूटा जाता है, अनपॉलिश्ड राइस, खाते समय फाइबरस फिलिंग का आना, तो समझ लीजिए कि बड़ा हेल्दी चावल है। ये पहाड़ के अलावा कहीं और मिलेगा, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया, कभी मतलब इस ट्रिप में खाया, लेकिन बिफोर उत्तराखंड कभी नहीं खाया। अब दाल को अलग से टेस्ट करके देखा जाए, दाल का टेस्ट कैसा है। अगर आप मुझे बोलो कि उड़द दाल है, उड़द दाल तो है, लेकिन उड़द दाल जैसा स्वाद नहीं है। इसमें स्वाद डोमिनेट एक तीसरी दाल का कर रहा है, जो ना मसूर से मिलता है, ना तुअर से मिलता है, किसी दाल से नहीं मिलता। और वो दाल का अगर मैं नियरेस्ट मैच बोलूं, जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, तो वो है गहत दाल, जो मैंने पिछले दो तीन दिन में दो तीन बार खाया है। आप जब भी गढ़वाल आएंगे ना, तो लाल चावल और इस तरह से नौरंगी दाल, अगर आपको अलग से भी उड़द दाल मिल जाए और सोंटा दाल मिल जाए, तो आप मिक्स भी करवा के बनवा सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन बड़ा शानदार है। और जाखिया मत मिस करिएगा, जहां भी खाएं जाखिया कंपलसरी, अगर आप ओरिजिनली टेस्ट ऑफ माउंटेन्स इंजॉय करना चाहते हैं। बात अब टेस्ट ऑफ माउंटेन्स की हो रही है, तो आप एनवायरमेंट को भी ध्यान से देखिए। चारों तरफ पहाड़, सामने आप देख पा रहे हैं पहाड़ के ऊपर बर्फ, मे मंथ, प्लेजेंट वेदर, स्वेटर पहन के हम बैठे हुए हैं, यानी कि हमें ठंडी भी लग रही है और इतना खूबसूरत स्वाद इंजॉय कर रहे हैं इतने बढ़िया वेदर में। और इस तरह की लोकेशन बड़ी कम नसीब होती है, और समझ लीजिए उत्तराखंड में तो ऐसी लोकेशंस बहुत हैं। और ये रूट में तो हम पिछले एक दो घंटे से देखते ही आ रहे हैं, बड़ा ही अमेजिंग। और अभी हरसिल पहुंचेंगे तो सुना है कि वहां सीनिक व्यूज बहुत औसम है। वैसे आज हमारा इरादा गंगोत्री धाम में नाइट स्टे करने का है। इस मील को एंजॉय करते हैं, फिनिश करके यहां से आगे बढ़ेंगे, सीनिक व्यू एंजॉय करते करते आज की जर्नी एंड करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हम इस समय सुखी टॉप से 1 किलोमीटर पहले सुखी गांव में हैं। हम यहां से निकल ही रहे थे, तो भाई साहब से मुलाकात हुई, सुखी गांव के रहने वाले हैं। तो मैंने इनको बोला आपके यहां पे और बताइए क्या फेमस है, तो इन्होंने बोला राजमा। बात करते करते इन्होंने अपने घर से हमको दिखाने के लिए 6 डिफरेंट राजमा की वैरायटी मंगवा ली है, आपके सामने है। तो भाई साहब एक बार आप ही बता दीजिए इसको क्या क्या बोलते हैं। जी जनरली इसको हम टोटल को राजमा बोलते हैं, लेकिन इसके हम जो पहचान करते हैं वो करते हैं इसके कलर से, सफ़ेद राजमा, पीली राजमा, लाल चितकबरी राजमा, और ये सफ़ेद जो नीली इसमें चितकबरी राजमा और छोटी लाल राजमा। और इसके अलावा इसका जो स्वाद है, सबसे अच्छा स्वाद सफ़ेद राजमा का है, उसके बाद है लाल राजमा का, और बाकी सबका लगभग एक जैसा है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगला मौका मिलते ही हमें सफ़ेद राजमा खा लेने चाहिए। जरूर जरूर जरूर। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे को बड़ी खुशी है आपने देखो सामने से हमें राजमा की इतनी वैरायटी दिखा दी। और इसके अलावा भी कुछ वैरायटी होती है? हाँ, इसके अलावा भी 2-3 वैरायटीज और हैं जो कि मेरे पास नहीं है, यानी 8 से 9 तरह के राजमा। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और इजाजत दीजिए हम चलते हैं यहाँ से। धन्यवाद धन्यवाद। सुखी गांव से निकलने से पहले ना हम सीनिक व्यू देखने किसी के घर की छत के ऊपर आ गए। अब आप देखिए कितना खूबसूरत सीनिक व्यू है, बादल हर तरफ,
पहाड़ और पहाड़ के ऊपर बर्फ, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। और साथ में आप सेब भी देख लीजिए, ये है सेब का छोटा दाना। अब इसको लगेंगे अभी 3 से 4 महीने पूरी तरह से पकने में। अभी हम यहां से चलकर 1 किलोमीटर आगे सुखी टॉप पे हॉल्ट लेंगे। यस, हम सुखी टॉप पहुंच गए। देखिए कितना शानदार व्यू है, जिधर नजर घुमाओ वहीं पर ही व्यू। अब बादलों की मूवमेंट आप नोटिस करिए, हमसे ज्यादा दूर नहीं है, हार्डली 200 मीटर दूर मूव होते हुए बादल। हर पहाड़ के ऊपर बादल हैं, सामने के पहाड़ में आपको बर्फ दिखाई दे रही है। हमसे ये भी ज्यादा दूर नहीं है, एरियल डिस्टेंस की बात करें तो हार्डली 800 मीटर से 1 किलोमीटर। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो भागीरथी नदी का जो पानी है वो लग रहा है फ्रीज हो गया है, थम सा गया पानी, ऐसी फीलिंग आ रही है। यहां से देखना साइड में आप रेता देखिए, वो भी एक डिजाइन की शेप में यहां से दिखाई दे रहा है। नीचे मेरे को बड़ी सी लाइन दिख रही है, ट्रैफिक जाम हुआ पड़ा है और ब्रिज के उस पार गाड़ियां रुकी हुई हैं। और जिस जगह अभी हम यहां पर खड़े हैं, यहां से आप नदी का फ्लो देखिए कितना तेज है। हालांकि काफी दूर है, हमारे पास जूम लेंस नहीं है कि आपको अच्छे से दिखा सके, लेकिन जस्ट टू गुड। और एक चीज आपको और इंटरेस्टिंग बताता हूं, सामने देखिए पहाड़ में आपको बर्फ दिखाई दे रही है, उसको बोलते हैं बुगियाल। पहाड़ के ऊपर ऐसा एरिया जो ग्रासलैंड है, बड़ा सा एरिया, वहां पर जब बर्फ इकट्ठी हो जाती है तो इस तरह से खूबसूरत दिखती है। वापस बताता हूं, इसको बोलते हैं बुगियाल। आप चारधाम रूट पे जब यहां पर आएंगे तो यहां जरूर रुकिएगा, बहुत मजा आएगा। सुखी टॉप से जब हम भागीरथी रिवर नीचे देख रहे थे तो कितनी खूबसूरत लग रही थी, ऐसा लग रहा था नदी का फ्लो जैसे रुक सा गया और साइड में रेता। लेकिन जब नीचे आके यहाँ पे देख रहे हैं तो रेता तो है, लेकिन रेता के साथ साथ छोटे पत्थर बहुत सारे हैं। जैसे जैसे गाड़ी चल रही है ना, हमको समझ में आ रहा है कि मुखवा गांव पहाड़ के ऊपर है। सीनिक व्यूज तो ऑसम है, रास्ता बहुत नैरो है, लगता है ऐसा अगर बरसात के समय यहां आ गए ना, लैंडस्लाइड के फुल चांसेस है। इस समय हम मुखवा गांव में माँ गंगा के शीतकालीन निवास में हैं। मैंने अभी अंदर जाके माथा टेका, हमारे साथ पंडित जी हैं। जय गंगा मैया की, गंगा मैया की जय। पंडित जी, आप हमें माँ गंगा के शीतकालीन निवास जहाँ पर अभी हम हैं, इस जगह के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? जी देखो, पाषाण मूर्ति गंगा जी की जो अनादिकाल से है, प्राचीन है, यहाँ 12 महीने पूजा होती है गंगा मैया की। गंगा मैया, सरस्वती जी, अन्नपूर्णा जी की जो मूर्ति है, चल मूर्ति, बहु मूर्ति, उसको हम जो है डोली पे जो है यहाँ से पैदल चल के रात्रि को जो है भैरव जी के स्थान पे पहुँचते हैं और वहाँ भैरव जी को मना के रात्रि में कीर्तन भजन पूजन वगैरह होता है। उसके बाद पुनः सुबह जो है प्रातः 6 बजे चल देते हैं और गंगोत्री का जो मुहूर्त जो होता है उसके अनुसार द्वार पूजन करते हैं, उसके बाद पट खुलते हैं अक्षय तृतीया के दिन। जी अक्षय तृतीया। और माँ गंगा की मूर्ति वापस यहाँ कभी आती है? दीपावली को महालक्ष्मी पूजा होती है, प्रतिपदा के दिन जो है हम दुर्गा मंदिर में आ जाते हैं जो मार्कंडी के पास है, सामने मुख्य मठ के पास, तो रात्रि में वहाँ कीर्तन भजन, वहाँ जगदम्बा को मना के
और भैया दूज को जो है मुख्य मठ स्थान पे आ जाते हैं। बहुत अच्छा लगा आके यहाँ पर आपसे जानकारी मिली, माँ गंगा के दर्शन किए जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गंगा मैया। गंगा मैया की जय। हम गंगोत्री धाम पहुंच चुके हैं। इस समय रात को 10:15 बजे का टाइम है। कल सुबह हमें गौमुख जाना है, जिसके लिए 4:45 बजे उठना पड़ेगा, 5:45 बजे निकलेंगे। 18 किलोमीटर पैदल जाना, 18 किलोमीटर यात्रा करके वापस आना। यहाँ पर हम पहुंच तो गए थे लगभग 7:30-8 बजे, लेकिन ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हम लोग को लगे हमारे लिए होटल फिगर आउट करने में कि रहना कहाँ पर है, क्योंकि हमने एडवांस बुकिंग नहीं करवाई थी। हम श्योर नहीं थे कि आज हम गंगोत्री धाम पहुँचेंगे। रास्ते में जब 2 दिन पहले श्योर हुए तो इंटरनेट कनेक्टिविटी वॉज वेरी पुअर। एनीवेज फाइनली हमें यहाँ पर रहने के लिए गेस्ट हाउस मिल गया गढ़वाल मंडल का। वेरी डिसेंट प्लेस, बड़ा हॉल टाइप्स रूम है जिसमें डबल बेड के 2 रूम्स लगे हुए हैं, 2 डबल बेड्स लगे हुए हैं, 2240 रुपये इंक्लूडिंग टैक्स, सो दैट्स वेरी रीजनेबल। अब ये अकोमोडेशन केवल 1 दिन के लिए अवेलेबल है, तो कल जब हम गौमुख से वापस आएंगे हमको अपनी अकोमोडेशन शायद चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर कल अवेलेबिलिटी इशू है, अवेलेबल नहीं है कल। गढ़वाल मंडल गेस्ट हाउस के बाहर ही लिस्ट लगी हुई है। गंगा माँ मंदिर यहाँ से 0.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, भागीरथ शिला भी पास ही है। माँ गंगा मंदिर हम परसों जाएंगे, बाहर बोर्ड में आप देख रहे हैं सारे डिस्टेंसेस पास पास ही हैं। जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड गौमुख के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय माँ गंगा। आपकी नॉलेज के लिए, गंगोत्री धाम पार्किंग से आपको अपने होटल तक पैदल जाना होगा। ये डिस्टेंस 0.5 किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक का हो सकता है। लगेज के लिए आप किसी पोर्टर को हायर कर सकते हैं या फिर होटल स्टाफ की मदद ले सकते हैं। आने वाले एपिसोड्स में आप गंगोत्री मंदिर के दर्शन देखेंगे और गौमुख की यात्रा भी देखेंगे। जल्दी मिलेंगे, नया एपिसोड, नया सफ़र। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।